बांडी नदी को यमुना नदी से जोड़ने के मिशन के तहत कांग्रेस भाजपा के जनप्रतिनिधियों और सरपंचों की बैठक आयोजित। कार्यकारिणी का गठन, जन जागरण अभियान करके लोगों को जोड़ा जाएगा, बड़ी मीटिंग करने का निर्णय। राजावास के बांडी नदी बस स्टैंड पर रविवार को नदी से नदी जोड़ो अभियान के तहत यमुना को बांडी नदी से जोड़ने की मांग को लेकर आमेर विधानसभा और चोमू विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कांग्रेस से जुड़े जनप्रतिनिधियों और सरपंचों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के संयोजक डॉक्टर महावीर शास्त्री ने की। वहीं इस मौके पर जनप्रतिनिधि के रूप में उप जिला प्रमुख मोहन डागर, शाहपुरा से जिला पार्षद हरि नारायण गठाला, चोमू से डॉक्टर श्रवण बराला, एडवोकेट श्री कृष्ण यादव, जासू सरपंच रमेश यादव, रामपुरा डाबड़ी सरपंच शैलेश बोहरा, जयरामपुरा सरपंच जगदीश निठारवाल, नांगल पुरोहितान सरपंच प्रतिनिधि जयपाल परसवाल, बिहारीपुरा सरपंच सत्यनारायण शर्मा, गोविंदपुरा सरपंच पवन बुनकर, रायथल सरपंच भगवान सहाय यादव, भगवान सहाय बघाला, पूर्व सरपंच पप्पूलाल सैनी, राजेश वर्मा, मुरलीधर देवगुड्डा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सीताराम शेरावत, पूर्व उप सरपंच कालूराम सामोता, सोहन लाल खरबास, ओम प्रकाश शर्मा, गजानन शर्मा, नानू राम चौधरी, हनुमान सहाय टेलर, मोहन दादरवाल, मुरलीधर बर्रा, नांगल भरडा, जैतपुरा से गोपाल गुलिया, कजोड़मल गोरा, रघुवीर सिंह, राम सिंह चौधरी, नंद किशोर कुमावत आदि आमेर और चोमू विधानसभा कांग्रेस और भाजपा से जुड़े प्रतिनिधियों और सरपंचों पूर्व सरपंचों ने मीटिंग में भाग लिया। सभी ने पुरजोर शब्दों से यमुना नदी को बांडी नदी से जोड़ने को लेकर आह्वान किया। मीटिंग में 24 अप्रैल को राजमार्ग पर बड़ी मीटिंग करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सभी सरपंचों वार्ड पंचों को मिशन में जोड़ने, जयपुर जिले में जन जागरूकता चलाने, प्रत्येक ग्राम पंचायत की आम सभा में प्रस्ताव लेकर ज्ञापन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजने सहित निर्णय लिए गए। वहीं मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने दोनों हाथ ऊपर कर इस मिशन में साथ देने का आह्वान किया। वहीं इस बैठक में रामपुरा सरपंच शैलेश बोहरा को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई।